रोशनी हमें खुश कर सकती है, खासकर धूप का हमारे मूड पर अच्छा असर होता है। लेकिन सर्दियों में जब दिन छोटे होने लगते हैं तो कई लोगों को समस्याएं होती हैं। उन्हें पर्याप्त धूप नहीं मिलती और इससे उनके हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं। सर्दी के महीनों में धूप कम निकलती है, इसके चलते शरीर में अधिक मेलाटोनिन बनता है। मेलाटोनिन से थकान होती है, यह सुलाने वाला हार्मोन है जो रात में निकलता है। यही वजह है कि बहुत से लोग रात में ज्यादा थकान और अस्वस्थ महसूस करते हैं। बहुत से लोग सर्दियों की उदासी से जूझते हैं। लेकिन हम सर्दियों की उदासी के बारे में क्या कर सकते हैं? एक तरीका है क्लिनिक में दी जाने वाली लाइट थेरेपी। इसमें एक लैंप के सामने रोज आधे घंटे बैठते हैं। इससे सूर्य जैसी प्राकृतिक रोशनी निकलती है, जिसका जागने और सोने के चक्र पर सकारात्मक असर होता है। लाइट थेरेपी को सही से दिया जाना चाहिए, यानी एक उपचार की तरह। इसके लिए विशेष लाइट थेरेपी लैंप होते हैं। उनमें ज्यादातर से 10,000 लक्स की रोशनी निकलती है। आप सामान्य तौर पर इन लैंप के सामने सवेरे 30 मिनट बैठते हैं। इस दौरान आप पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं या नाश्ता भी खा सकते हैं। मुख्य बात सिर्फ यह है कि रोशनी आपकी रेटिना तक पहुँचनी चाहिए। ऐसे किसी लैंप से कितनी दूरी हो, ये निर्माता और लैंप के मॉडल निर्धारित करते हैं। जरूरी ये है कि लैंप में देखते रहा जाए। ऐसा एक सेशन 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कुछ दिन बाद ही मरीजों को अपनी हालत में सुधार दिखना चाहिए। प्रकाश का हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी असर होता है। इसका 24 घंटे का चक्र हमारी गतिविधियों को तय करता है। ये रोज खुद को रोशनी और अंधेरे के हिसाब से ढालता है। क्रोनोबायोलॉजी के प्रोफेसर आखिम क्रामर कहते हैं कि हमारी आंखों में जाने वाला प्रकाश का क्रम हमारी दैनिक गतिविधियों को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। हम सभी के भीतर जन्म से एक आंतरिक घड़ी होती है, जिसमें मोटे तौर पर 24 घंटे का समय होता है। हर दिन इसे प्रकाश से रीसेट होना चाहिए। इसके बिना इंसानों का 24 घंटे का चक्र नहीं रह जाएगा, इसलिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है, खासकर सुबह। दिन की रोशनी हमारे रेटिना में नीली रोशनी वाले रिसेप्टर्स को उत्तेजित करती है। ये उत्तेजना फिर डाइनेसेफलॉन या आंतरिक दिमाग में जाकर आंतरिक घड़ी को रीसेट करती है। आमतौर पर हमारी सारी भौतिक क्रियाएं हमारी आंतरिक घड़ी के हिसाब से चलती हैं। हमारा सोने जागने का चक्र, शारीरिक तापमान का नियंत्रण, किडनी के क्रियाकलाप, पाचन क्रिया, प्रतिरक्षा तंत्र, ये सब बहुत कुछ इस पर निर्भर होता है। और अगर हम इस पर ध्यान ना दें और बहुत सारी रोशनी के जरिए इसे तारतम्य में ना रखें, तो हम बहुत सारी आम बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। सर्दियों में लाइट थेरेपी हमारे 24 घंटे के चक्र को बनाए रखने में मददगार हो सकती है और ये हमें खुश रख सकती है। लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि लाइट थेरेपी किसी गहरे डिप्रेशन से निपटने में काम नहीं आती। लेकिन सर्दियों वाली उदासी हो तो सिर्फ 2 हफ्ते में इसका असर दिखने लगता है। इसके अलावा छोटे और कम रोशनी वाले सर्दी के दिनों में जितना ज्यादा संभव हो प्रकृति के करीब जाएं। ताजा हवा भी हमारा मूड अच्छा कर सकती है।